एलजी कंपनी ने अपने माइक्रोवेव में एक फीचर हाईलाइट कर रखा है जो कि है हेल्दी हार्ट फीचर। हेल्दी हार्ट में आपको 30 रेसिपीज देखने को मिल जाती है, उसी में से एक रेसिपी है मूंग दाल एंड राइस इडली। मूंग दाल एंड राइस इडली हम माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप हरे मूंग की दाल, जिसको मैंने 6 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ था। और यहाँ मैंने लिया है 1 कप ब्राउन राइस, इसको भी मैंने 6 घंटे के लिए सोक करके रखा था। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप राइस, जो मैंने आपको बताया था मैंने पहले से ही सोक करके रखे हुए थे। ब्राउन राइस मैंने यहाँ पर लिया था, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मूंग दाल जो मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब इसको मैं अच्छे से मैश कर दूंगी, और एक तरफ मैं डालूंगी ग्रेटेड की हुई गाजर, और डालूंगी 1 चॉप्ड अनियन, और डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसमें मैं एक डालूंगी एक इनो सैशे, कि जब आप माइक्रो में बनाने जाएंगे ऑन स्पॉट आपको इनो डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये आपका इस तरीके का बैटर हो जाएगा। बैटर आप देख ही चुके हैं। ये यहाँ मैंने एक अदर बाउल सेट लिया है जो कि इडली मेकर है, इसमें मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। पानी हमको लेना है। ये मैंने यहाँ पर लिया एक इडली स्टैंड, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अभी इडली स्टैंड हम इस तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ मैं डालूंगी इसके ऊपर बैटर। ये हो चुका है, अब इसको कवर करेंगे। अगर आपके पास 2 स्टैंड दे रखे हैं माइक्रोवेव के, तो आप दोनों स्टैंड एक के ऊपर एक करके लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही स्टैंड है तो आप एक स्टैंड में ही डाल दीजिए, और लिड लगाएंगे और माइक्रोवेव में सेट कर देंगे। और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एलजी का रिगल डिजाइन चारकोल मॉडल। इडली मैंने अंदर रख दिया, और अब मैं इस पर 5 मिनट का टाइमिंग सिलेक्ट कर रही हूँ। तो अब यहाँ टाइमिंग ओवर हो चुका है, अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इडली प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको बाउल से बाहर निकाल लिया है, अंदर से देखते हैं, बहुत सॉफ्ट बनी है ये। तो यहाँ इसकी प्रेजेंटेशन रेडी है। इस तरीके से आप और इडली तैयार कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।